शहर के सेंट पायस स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। इस विवाद में कुछ बाहरी युवक भी शामिल थे और विवाद के दौरान एक युवक को चाकू भी लग गया। घटना को लेकर स्कूल के छात्रों का कहना है कि छात्रों के बीच विवाद में कुछ बाहरी युवक गैंग बनाकर आए थे और उन्होंने ही जमकर मारपीट की। जानकारी मिलने पर CSP ललितगढ़ और मोगट पुलिस ने स्कूल में पहुंचकर पूरे मौके का जायजा लिया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर कुछ युवकों पर कार्रवाई भी की है। इस मामले को लेकर जहां कुछ छात्रों का कहना है कि किसी फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था, वहीं कुछ इसे लड़की को लेकर विवाद बता रहे हैं। पूरा मामला जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। पन्नालाल पटेल, क्या हुआ सर? स्कूल यहाँ पेपर देने आया, अभी तो बाहर निकला और ये उसको कार से उन्होंने मारा है। नहीं, कौन आया था, किसके बेटे? मैं तो आदर्श के पापा हूँ जिसको मारा। गाँव यहाँ आया तो उनको स्कूल से बाहर निकला, उसको डायरेक्ट मारना चालू हुआ, चाकू मार दिया। जानते उनको कौन मारना? नहीं, वही से उनका जो कार में वीडियो वहाँ से कैमरे में देखते। कार से आए थे पाँच छह जन। सेंट पायस स्कूल के बाहर चाकूबाजी घटना हुई है। सर, क्या मामला है, किस तरीके का विवाद है सर? ये स्कूल के स्टूडेंट्स है, सेंट पायस स्कूल जो आनंद नगर में है, वहाँ के स्टूडेंट है, उनके बीच का आपसी विवाद था। तो उसमें कुछ लड़कों के साथ इन लोगों ने मिलकर जो सौरभ पटेल नाम का जो लड़का है उसके साथ चाकूबाजी करके मारपीट की है। अभी पुलिस इस पर अपराध पंजीबद्ध कर रही है और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। यह घटना उस समय घटी जब स्कूल में परीक्षा का दौर चल रहा है। हर्ष उपाध्याय, News First, खंडवा।